everyone, welcome to my channel. Thank you so much for visiting. I wish for a good health and well-being. So आज है 7th of Jan और आज वैसे तो आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज है क्या और मैं किस चीज़ पे व्लॉग बनाने वाली हूँ. तो गाइज फाइनली हमारी फ्रेशर्स हो रही है. आप भी सोच रहे होंगे कि 2022 बैच की फ्रेशर हो रही है 2024 में, बट ये बहुत लंबी कहानी है. शॉर्ट में नहीं बता पाऊँगी या फिर बता ही नहीं पाऊंगी कि हुआ क्या कि हमें इतनी लेट फ्रेशर्स मिल रही है. लेकिन फाइनली अब हमें फ्रेशर्स मिल रही है हमारी, तो हम इसी बात से खुश है कि चलो फाइनली मिल तो रही है. अब बस ये मत सोचो कि क्यों मिल रही है इतनी लेट फ्रेशर या क्या है कि 2022 बैच को 2024 में क्यों फ्रेशर मिल रही है, ये सब मत सोचो. जैसे हम इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं अपनी फ्रेशर्स में, आप भी इस व्लॉग को ज़रूर इंजॉय करना. वैसे तो अब हमारे जूनियर्स भी आ चुके हैं और हम सेकेंड ईयर में जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारी फ्रेशर हो रही है. आई होप हम आगे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे. आई होप क्या हम सच में करेंगे बहुत ज़्यादा इन्जॉय. मैं सब कुछ कैप्चर करने की कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो पाएगा. अभी बहुत लेट हो रहा है क्योंकि 8 बजे तक, मतलब 8 के 7:30 बजे तक हमें तैयार होकर नीचे जाना है और 8 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा. जो ऑफिशियल हमारी फ्रेशर्स है तो वो हमारी 8 बजे से स्टार्ट है और फिर अनऑफिशियल भी होने वाली है. तो आई थिंक मैं ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों को अलग अलग व्लॉग में कैप्चर करूँगी और अलग अलग ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी. लेकिन देखती हूँ आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितना मैं कैप्चर कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने व्लॉगिंग नहीं की है. तो देखता है कि क्या होता है आज. आई होप आप इस व्लॉग को इन्जॉय करोगे. आई होप कि हम लोग भी इस दिन को इन्जॉय करें और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट दूँ आज देखने के लिए. आज बहुत कुछ होने वाला है, तो लेट्स गो गाइस. बहुत लेट हो रहा है, 6:15 हो रहा है और मैं अभी तक कुछ नहीं किया है मैंने. मैं फटाफट से तैयार होना है मेरे को, तो मैं फटाफट से तैयार होती हूँ फिर आपको आगे मिलती हूँ व्लॉग में. तो लोग वैसे ट्रांजिशन बनाते हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी बना लूँ, तो मैं अभी इसी पोजिशन में बैठ के ट्रांजिशन बनाती हूँ. ठीक है, मुझे सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा तैयार होने में. देखना चाहते हो कैसे? वेट. ये है मेरा फ्रेशर्स का लुक. मैंने बोला था ना आपको, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता तैयार होने में, सिर्फ 1 सेकेंड और मैं तैयार हो गई. देखो अभी पूरा लुक आपको थोड़ी देर बाद में दिखाती हूँ. अब मुझे लेट हो रहा है, नीचे जाना है, तो जल्दी जल्दी जाते हैं. तो यहाँ पे हम सभी लड़कियाँ कंपाउंड पे आ गई थी और फिर पहले हमने फ़ोटोशूट वगैरह किया, फिर हम लड़कों का वेट कर रहे थे क्योंकि हमें साथ में ही ऑडिटोरियम के लिए जाना था. सो ये है मेरे फ्रेशर्स का लुक जो कि मैंने स्लो मोशन में शूट किया. आई होप आपको मेरा ये लुक पसंद आ रहा हो क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था. सो इस व्लॉग में मैं वॉइस ओवर बहुत कम करूँगी कि मैंने शूट जैसे किया है, तो अगर मैं इसको ऐसे ही अपलोड करूँ तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा. और ऑफिशियल और अनऑफिशियल फ्रेशर की वीडियोज़ मैंने एक ही साथ डाली है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही अपलोड करूँगी. आई होप आप इन्जॉय करोगे आगे. हमारी जो फ्रेशर्स थी उसका जो थीम था वो बॉलीवुड थीम था, तो जितने भी पोस्टर्स लगे हैं और जितने भी डेकोरेशन अंदर हुई है जो आप आगे देखोगे वो सब बॉलीवुड थीम से ही रिलेटेड है. कितने सितारे हैं, 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 कितने स
तो इस तरह हमारी ऑफिशियल जो फ्रेशर्स थी वो ख़त्म हुई और फिर उसी दिन रात को हमारी अनऑफिशियल फ्रेशर्स थी, तो हम सब उसके लिए भी रेडी हो गए थे। अनऑफिशियल फ्रेशर पार्टी जो थी वो कैंपस से बाहर थी, तो उसका जो वेन्यू था वो बाहर बुक किया हुआ था, तो वहाँ तक जाने के लिए हमें बस से लेके गए। तो हम सब ने थोड़ा सा ट्रैवल किया बस से और फिर थोड़ी मस्ती भी हुई हमारी बस के अंदर। Yeah.
अनऑफिशियल फ्रेशर्स के जो वेन्यू था वहाँ पर एंटर करने के बाद हम कंटिन्यूसली डांस कर रहे थे, और सिर्फ जब डिनर करना था ना हम तब बाहर आए और तब भी हम रुके हुए थे, वरना हम डांस ही कर रहे थे। और एक टाइम पे तो मैं भूल गई थी मैं ब्लॉग भी कर रही हूँ, तो मैंने बहुत कम क्लिप्स लिए हैं अपनी अनऑफिशियल फ्रेशर की, बट हमने बहुत ज़्यादा डांस किया था वहाँ। बहुत सारी मस्ती और बहुत सारी धमाल के साथ इस तरह हमारी जो फ्रेशर थी वो ख़त्म हुई। मेरे को तो मन कर रहा था कि ये दिन ख़त्म ही ना हो, बस चलता रहे, बट ऐसा पॉसिबल है नहीं। सो उस दिन मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, खुद की भी और अपने सारे दोस्तों के साथ, सीनियर्स के साथ, जो कि इस व्लॉग के एंड के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपने ये व्लॉग इंजॉय किया हो, और अगर इंजॉय किया हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय।